पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के कोतवाली इलाके के दिनदारपुरा मोहल्ले में स्थित श्री रघुनाथ जी महाराज में पूजा करने पहुंची फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जयपर्दा। 2009 में भी जयपर्दा इस मंदिर में आई थी, जिसके बाद उन्होंने चुनाव में जीत मिली थी। एक बार फिर वोटिंग से एक दिन पहले जयपर्दा इस मंदिर में पहुंची हैं। रामपुर में कल मतदान होना है और आजम के बेटे पर बोलते हुए कहा कि वो तो उनके सामने ही बड़ा हुआ है, वे पढ़ा लिखा है, उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, कल रामपुर के लोग और महिलाओं दोनों को जवाब दे देंगी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को भी जवाब मिल जाएगा। देखिए, मैं इस बात में हंसना है या रोना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बाप है वैसे बेटा निकला है और इसी वजह से, क्योंकि अब्दुल्ला आजम बच्चा था, मैं उनको बड़े होते हुए देखा। मैंने मुझे उम्मीद रही थी कि बच्चा भी बेटा जैसा है, वो इस तरह बयान दे सकता है, पढ़े लिखा है। आजम का विचार अलग हो सकता है, लेकिन पढ़े लिखे एक लड़का इस तरह का बदतमीजी करते हुए एक महिला को इस तरह अपमानित अभद्र शब्द कहने का, इनको हिम्मत को मैं खंडन करती हूँ। इस बात पर लोग परेशान हैं और सारे जनता, इस देश के सारे जनता इनको कल जवाब, मुंह तोड़ जवाब देगी। सारे महिलाएं आक्रोश में हैं और यही इस आजम को किस तरह बेटे को भी बाप को भी एक ही साथ मुंह तोड़ जवाब देते हुए और इस चुनाव में नतीजा दिखाएंगे। और मैं यकीन करती हूँ इस लड़ाई जो है महिलाओं के सम्मान की लड़ाई में लड़ रही हूँ, महिलाओं के सुरक्षा की लड़ रही हूँ, तो इस लड़ाई में मैं नहीं सारे जनता लड़ रही है, पूरे देश खड़ी है। कल सिद्धू ने मोदी जी का बहुत मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, बड़ापुर में थे, उनकी नकल उतार रही है, क्या चल रहा है? सिद्धू तो अपने होश हवस खो दिया, क्योंकि सिद्धू जब इमरान वहाँ पे प्रधानमंत्री बन रहे थे तो उन्होंने इतना समर्थन किया, ऐसा लग रहा था कि सिद्धू भी वहाँ के पाकिस्तानी बन गया। तो इस बात पर सिद्धू को सतर्क रहना है, इस देश आपको जवाब देगी। भारत देश को अपमान करते हुए आप पाकिस्तान को बड़ा नहीं दिखा सकता।